गर्मियों का मौसम आ गया है। इस मौसम की एक खास बात है कि इसमें आम और कैरियाँ बहुत ही बेहतरीन मिलते हैं। आज हम फूड विला में कैरी की खट्टी मीठी चटनी बनाएंगे। अगर आप कभी सब्जी खाने का मन न करे तो आप इस चटनी को पराठे के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं। ये बहुत ही फ्लेवरफुल और टेस्टी बनती है, तो चलिए इसे हम बनाना शुरू करते हैं। कैरी की चटनी बनाने के लिए हमने ये आधा किलो कैरी ली है। इसको हमने धोकर और छील कर रखी है। अब हम इसे ऐसे लंबे लंबे पीसेस में काट लेंगे। अब हम इसमें हल्का सा नमक लगाएंगे और इन्हें अच्छे से मिक्स करेंगे। इसे हम 5 से 7 मिनट के लिए छोड़ देंगे। ये नमक लगाने से कैरी एकदम सॉफ्ट हो जाएगी। अब इसे 10 मिनट हो चुके हैं। अब इसे हम एक बार पानी से धो लेंगे। अब हम इसे एक पेपर टॉवल पे 10 से 15 मिनट के लिए हम इसे ड्राई होने के लिए रखेंगे। इसका अच्छे से पानी सुखाना है हमें। अब हम फ्लेम को ऑन करेंगे और ये हमने एक बड़ा कप लिया है, उसका 3/4 कप मैंने पानी डाला है। अब हम इसे इस कढ़ाई में डाल देंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे 300 ग्राम शुगर। इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे और बॉयल आने देंगे। अब इसमें ये धीरे धीरे बॉयल आने लगा है। हम इस पूरी शुगर को अच्छे तक मेल्ट होने तक कुक करेंगे। अब ये शुगर मेल्ट हो चुकी है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 से 3 बे लीव्स, 4 साबुत लाल मिर्च, 1 टीस्पून के जितना सौंफ, 1 टीस्पून जीरा, 1/2 टीस्पून शाही जीरा, 8 से 10 काली मिर्च, 1 टीस्पून साबुत धनिया, 5 हमने ये छोटी इलायची डाली है। अब हम इन सब चीज़ों को एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसे हम लो फ्लेम पर एक बॉयल आने तक हम इन्हें पकाएंगे। अब इस कैरी को 10 से 15 मिनट हो चुके हैं। ये देखिए, ये अच्छे से ड्राई हो चुकी है। अब हम इसे इस शुगर सिरप में ऐड करेंगे। अब हम इसे लो टू मीडियम फ्लेम पे तब तक पकाएंगे जब तक ये कैरी अच्छे से सॉफ्ट ना हो जाए। अब ये कैरी सॉफ्ट हो चुकी है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून इलायची पाउडर, 1/4 टीस्पून प्याज का बीज, 1 से 1.5 स्पून रेड चिली पाउडर, नमक स्वाद अनुसार। इन सब को भी हम एक बार अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हम फ्लेम को हाई पे करके 1-2 अच्छे से बॉयल आने तक इसे हम कुक करेंगे। हाई फ्लेम पे 2 अच्छे से बॉयल आ चुके हैं। अब हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे। इसे हम अच्छे से ठंडा होने के लिए रखेंगे। कैरी की ये खट्टी मीठी चटनी अच्छे से ठंडी हो चुकी है। अब हम इसमें 1 चम्मच के जितना विनेगर ऐड करेंगे। ये विनेगर इसमें प्रिजर्वेटिव का काम करेगा। ये खट्टी मीठी कैरी की चटनी बनकर तैयार है। इसे आप एक स्टरलाइज ग्लास बॉटल में डालकर फ्रिज में 1 साल तक के लिए इसे स्टोर कर सकते हैं।